बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम ब्लॉक डिलारी के गांव मानपुर साबित पहुंची। जिला मुख्यालय से जिसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 6 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती अफरोज जहां हैं, गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चले की प्रधान पुत्र चौधरी जियाउल्लाह ब्लॉक डिलारी के प्रमुख भी रह चुके हैं। 4 वर्ष में किस तरह से इन्होंने इस गाँव को सजाया है, जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी जियाउल्लाह, ग्राम मानपुर साबित का निवासी हूँ, ब्लॉक डिलारी जिला मुरादाबाद के निवासी हैं। हमारा कहना यह है कि हमारी माता जी श्री मती अफरोज जहाँ यहाँ की ग्राम पंचायत की प्रधान हैं, जिनको लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाया है यहाँ का प्रधान, और जो उनकी ख्वाहिशात थी हम लोगों से, वो हम लोगों ने उनकी पूरी भी की हैं। कुछ विकास कार्य थोड़े से रह गए हैं, इंशाल्लाह अभी 1 साल का वक्त है। इस 1 साल में भी हम लोग कोशिश और प्रयासरत हैं कि उन कामों को भी हम पूर्ण रूप से करवा दिया जाए। सर, 4 वर्ष में किस तरह से आपने कार्य यहाँ पे गांव में दिए हैं, क्या क्या कार्य दिए हैं? हमने 4 वर्ष में यहाँ पे जो खराब और क्षतिग्रस्त रास्ते थे, उन रास्तों को भी हमने सुधारा और नए टाइल्स, सीसी टाइल्स रोड्स बनवाए। यहाँ पे हमने लोगों के बैठने के लिए, व्यवस्था के लिए, के गली चौराहों पे हमने यहाँ पे कम से कम 50 कुर्सियाँ डलवाई हैं, चेयर्स डलवाई हैं, और यहाँ पे हमने 40 खंभे लगवाए हैं, और अपने यहाँ के 4 ट्रांसफार्मर्स भी करवाए हैं, और राशन प्रणाली में भी हमने हर महीने यहाँ पे हमारे मानपुर साबित में 5 किलो का वितरण होता है, जो कि मेरे ख्याल से कहीं भी हमारे ब्लॉक में नहीं होता। 4 किलो का ही वितरण होता है, लेकिन मानपुर साबित में 5 किलो का वितरण होता है पर यूनिट। और प्रधान से संबंधित जो भी कार्य है, पूर्ण रूप से ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक अच्छी तरीके से उसकी क्वालिटी को अच्छा करके हम लोग गाँव की सेवा कर रहे हैं। सफाई कर्मी की भी व्यवस्था नियमित है, यहाँ स्वच्छ हमारा गाँव रहता है। अगर कभी कभी सफाई कर्मी नहीं भी आते हैं तो हमारे गांव में इतनी जागरूकता है कि वो आपस में ही सब लोग अपनी सफाई व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हमारे गांव के लोग और ख़ास तौर से हम लोग भी सफाई सुथराई करने में बहुत सक्षम हैं, और हम लोग जागरूक हैं, हम अपने गांव को स्वच्छ बनाए रखते हैं। आपके यहाँ ये जो उपकेंद्र अस्पताल बना हुआ है, यहाँ डॉक्टर वगैरह बैठते हैं? जी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है। ये पहले हमारे बनने से पहले, 4 वर्ष पहले, इसमें हमेशा ताला ही लगा रहा, लेकिन हमने उसकी शिकायत सीएमओ साहब से और डिलारी के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे की थी, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे जो ANM है वो भी हर हफ्ते आती हैं और डॉक्टर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। अब वो नियमित रूप से पहले के भांति सुधार है, लेकिन अभी जैसे हम चाहते हैं कि डेली आएँ, तो डेली के हिसाब से आज भी व्यवस्था यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग अपनी नहीं कर पाया। ये जो नागरिकता NRCR वाला जो चल रहा है, आप यहाँ क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख भी रहे हो और अच्छे नेता हो यहाँ क्षेत्र से, तो क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? जो भी लोग हैं, हमारा भी, मैंने भी ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेजा है SDM साहब के द्वारा कि मैं भी विरोध कर रहा हूँ इस CAA बिल का, NRC बिल का, लेकिन उसका शांतिपूर्ण बनाए हुए उसका विरोध किया जाए और सही तरीके से, उसमें कहीं भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो गांधी जी के मार्ग हैं, गांधी जी और हमारे देश में हमेशा आंदोलन रहे हैं, जो शांतिपूर्वक आंदोलन होते हैं वो हमेशा लंबे चलते हैं, हिंसापूर्ण आंदोलन थोड़े से टाइम के लिए होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ में कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने इल्म हासिल किया और जो आज इस लायक बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से, वहाँ पे जो लाठी चार्ज किया गया है, छात्र और छात्राएं बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, घायल हुई हैं, और वहाँ बिना परमिशन के एंट्री हुई और पुलिस ने जो वहाँ पे कोहराम मचाया, उसका भी हम विरोध करते हैं। और हम ये माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह वहाँ की ईमानदारी से और किसी रिटायर्ड जज से वहाँ की जाँच की जाए और वहाँ का सही जो पुलिस ने काम किया है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और मैं सबसे पहले आपका, अशरफ भाई, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे छोटे से गांव में आए और आपने इस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनी
इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को, जनपद वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका नववर्ष बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बीते और नया साल हमारे लिए खुशियों का साल है।